वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो रक्षाबंधन का व्लॉग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आएगा। हर साल आता है, हर साल मैंने कुछ ना कुछ रक्षाबंधन का शेयर किया है आपके साथ में, कि या तो मैं भैया के घर पे गई हूँ या फिर भैया यहाँ पे आए हुए हैं, तो भी मैंने आपको फोटोज दिखाए हैं या वीडियोज दिखाया है। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो मेरे भैया जो है वो बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, पर यहीं पे सेटल्ड है, वो यहीं पे जॉब करते हैं। पर आजकल उनका वैसे ऑन साइट का बहुत बढ़ गया है, तो काफी टाइम के लिए वो बाहर चले जा रहे हैं इंडिया से, कभी इंडिया में रह के ही पुणे चले जा रहे हैं, तो वैसा उनका रोल हो गया। क्योंकि अभी पापा नहीं है तो वो भी थोड़ा फ्री है, तो वो भी उस टाइप का रोल उन्होंने ले लिया है कि ट्रैवल वगैरह करते रहे। पर खैर अभी वो बैंगलोर में ही है, फिर भी मैं व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ कि राखी बांधा क्या किया, हुआ क्या बताती हूँ। एक तो मुहूर्त का बहुत ही इस बार कंफ्यूजन है, आप लोगों को पता होगा, शायद रात का मुहूर्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राखी जो है वो नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करना था, तो वो सब तो चल ही रहा था। तो भैया ने से बोल रखा था कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं ही आ जाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया, पहले वाली बात तो रही नहीं कि वर्क फ्रॉम होम है, तो वो 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं घर, तो उनको 8-9 बज जाता है। तो मुझे कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो अर्ली मॉर्निंग आऊंगा, और वो भी कंफर्म नहीं कर रहे थे कि देखता हूं कैसे होता है तो मैं तुमको बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे एक रात पहले फोन किया कि सुबह मैं ऑफिस जाते जाते ही तुम्हारे घर पे होते हुए जाऊंगा, राखी मुझे वहां पे बांध देना। तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वो आए, 7:15 बजे के आसपास आए। कोई मुहूर्त नहीं था उस टाइम पे राखी बांधने का, जो मुहूर्त था उस पर वो फॉलो नहीं हो पाता, और हम दोनों ही उतना वो सब नहीं मानते कि ठीक है इस टाइम पे होना चाहिए, राखी बांधना इंपॉर्टेंट है। सुबह में मतलब उनका जो फोन आया कि हाँ मैं पहुंचने वाला हूं, उससे मेरी आंख खुली है। अंगद वॉशरूम में था जब वो आए हैं, ऐसा हड़बड़ हो गया है, 10 मिनट में उनको निकलना था, तो बस राखी बांधा। मैंने कहा बस बैठी, अंगद निकल रहा है वॉशरूम से, फटाफट वो आया, मिला और बस चला गया। मतलब इतना ज्यादा स्पीड में इस बार हुआ ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हर बारी रक्षाबंधन में तैयार व्यार होके प्रॉपर प्लानिंग करके या तो मैं वहां जाती थी या एक दो बार वो भी आए हुए हैं। खैर एनीवेज, तो ये था पूरा रक्षाबंधन की कहानी। अब दिखाती हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा चीज आया है, वो उसमें मैं अभी रिफिल करने जा रही हूँ, सैनिटाइजर। वो क्या है बताती हूँ। ये आज ही डिलीवर हुआ है, ऑर्डर तो मैंने कर दिया था 1 हफ्ता पहले, पर आजकल ना अमेजोन भी लेट कर देता है। तो ये क्या है, तो ये सैनिटाइजर बॉटल्स हैं जिसमें कि आप रिफिल कर सकते हो अपने हिसाब से सैनिटाइजर। तो यहाँ पे ये पूरा खुल जाएगा, उसके बाद आपको जो भी रिफिल करना है इसमें रिफिल कर दीजिए। ये सेट ऑफ 3 में ही आता है, तो 3 का क्या जरूरत पड़ने वाला है, देखिए एक मैं लगा दूंगी बेबी कॉट में, तो मतलब ये बेसिकली इस तरीके से आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। तो एक बेबी के कॉट पर हैंग किया हुआ रहेगा, तो जब भी हम लोग उसको उठाने जाएंगे तो याद रहेगा कि हमें सैनिटाइजर लगाना है, तो एक तो वहाँ चला जाएगा। दूसरा जाने वाला है हमारे डायपर बैग के ऊपर, और डायपर बैग की बात हो ही रही है जिसमें वो लगाने वाली हूँ मैं। इनकेस आपने नहीं देखा है तो मेरा डायपर बैग ये है, इसी से मैच करते देखिए मैंने एक और चीज ली हुई है, एकदम ही मैचिंग है देखिए, पर दोनों अलग ब्रांड है, सेम ब्रांड नहीं है एक्चुअली, पर एकदम मैंने मैच करता हुआ लिया है। तो ये क्या है मैं बताती हूँ, ये है डायपर कैडी। तो इसका क्या जरूरत पड़ने वाला है, तो देखिए ऐसा मेरा मानना है, सब लोग बाकी लोग कैसे पता नहीं मैनेज करते हैं, उनके का तरीका अलग अलग होता होगा। मैंने सोच रखा है कि जितनी चीजें मैं ऑर्गेनाइज्ड करके रखूं अपने आसपास ना, उतना मेरा काम आसान होगा। जो केओस है वो ठीक है, बेबी रो रहा है, आप फीड करा रहे हो, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, थके हो, वो सब तो होना ही है, पर एटलीस्ट जो चीज हमारे हाथ में है वो तो हम करें। तो हमारे हाथ में चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, और मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप मेरा घर देखते आ रहे हो 3.5 साल से, कि अगर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। मतलब मैं अच्छे से परफॉर्म किसी भी काम में नहीं कर सकती हूँ अगर चीजें सब इधर उधर है। तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है, पर रूम है छोटा, जगह है कम, तो अगर आपका भी घर छोटा है, बेबी आने वाला है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एक तो दिमाग लगाना एकदम स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे आप ऑर्गेनाइज रख सकते हो, बेटर से बेटर तरीका सोचिए। दूसरा, प्लीज कलर्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना सटल कलर्स में आप जाओगे, जितना आप नेचुरल न्यूट्रल कलर्स में जाओगे, उतना आपके सर पे ना भार कम लगेगा। अगर सब कुछ आपने मल्टी कलर कर दिया, वह सस्ता मिल रहा है बोल के लाल पीला हरा नीला सब उठा लिया, और छोटे से रूम में हर कलर आपने डाल दिया ना, पता नहीं मुझे बाकी को कितना इफेक्ट पड़ता है, पर मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल शेड में मैं चीजें लेती हूँ। तो ये है, ये डायपर कैडी है बेसिकली। इसमें आपको डायपर चेंज करने के टाइम में जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है ना, वो सब इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ये फोल्ड हो जाएगा बेसिकली, ये ऐसे निकल जाता है, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो सूटकेस में डाल दीजिए, मान लीजिए आप स्टे करने के लिए होटल में गए हो, तो आप ये ले गए, वहां पे जाकर के इमीडिएटली आपका डायपर चेंजिंग स्टेशन रेडी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप इसमें ऑर्गेनाइज कर दोगे। दूसरा है, मान लीजिए कि उस रूम में आप हो, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं उस रूम में हूँ और मुझे मान लीजिए डायपर चेंज करना है बेबी का। वैसे तो मैंने रूल बना रखा है कि डायपर चेंज एक स्पेसिफिक जगह पे ही होगी, पर मान लीजिए फिर भी चलिए मुझे चेंज करना है और मैं यहाँ पे हूँ इस रूम में,
तो मुझे अंगद को उतना इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि सुनो एक डायपर ले आना, सुनो एक क्रीम ले आना, एक ये ले आना, उतना करूंगी तो मुझे उतना इंस्ट्रक्शन देना अच्छा नहीं लगता। बस मुझे इतना बोलना है अंगद डायपर चेंजिंग मेरा जो कैडी है वो ले आओ, तो डायपर कैडी वो उठा के ले आएगा, सारी चीजें इसी में रहेंगी तो मैं जहां चाहूं वहां चेंज कर सकती हूँ। और मुझे ये ग्रे कलर इतना अच्छा लगता है कि देखिए मैंने ग्रे में और भी एक चीज लिया हुआ है। तो ये मैंने क्या लिया है, ये बैग्स है देखिए ट्रांसपेरेंट ऐसा वाला, यहाँ पे जिप दिया हुआ है। और इस बैग का पर्पस आगे तो बहुत होगा, ट्रैवल कर रहे हो तो चीजें रख लो, आप चाहो तो फ्यूचर में आप इसमें अपना शूज वगैरह भी रख सकते हो, पर मैंने फिलहाल अभी लिया है हॉस्पिटल बैग के लिए। तो बेबी के लिए जो भी मैं कपड़े ले जा रही हूँ, 6 सेट ले जा रही हूँ, सब में मैंने वंजी, उसके बाद में पैंट, मिटन्स का, कैप का सेट बना दिया है हर एक कपड़े के लिए, ताकि अंगद को इजी हो नर्स को देना या अगर वो चेंज कर रहा है तो उसके लिए। तो उसके लिए मैंने ऐसे 6 बैग्स ले लिए हैं, तो सारे का सेट है ना एक एक बैग में स्पेसिफिक डाल दिया है। ये वाला बुक ना कल ही डिलीवर हुआ है, डॉक्टर स्पॉक्स बेबी एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया। तो मुझे लगा चलो ये देखा जाए, इन इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो क्या क्या कुछ कुछ बताया होगा इसमें। तो जब ये आया ना तो मुझे अंगद बोल रहा था कि तुम्हारा लॉ कॉलेज तो खत्म हो गया पर ये मोटे मोटे बुक पढ़ने का तुम्हारा शौक खत्म नहीं हुआ। अभी बुक मोटा है तो मैं क्या करूं, मैंने तो भैया इसलिए लिया क्योंकि हाँ मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ना कभी कभी कमेंट आता है ऐसा, आप ना बहुत सोचती हो या आप ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, और बोलते ऐसे मानिए ये कोई खराब ट्रेट हो इंसान के अंदर, भगवान ने दिमाग दिया सोचने के लिए दिया ना, ये तो बड़ी अच्छी स्किल है कि काम पढ़ने से पहले चीजों के बारे में सोच लिया जाए, कर लिया जाए। और तभी तो मैं डिजाइनर हूं, तभी तो मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, क्योंकि मैं आगे का सोच सकती हूं। अपना घर में, अब मेरे घर का एग्जांपल ले लीजिए, एक एक चीज जो मैंने डिजाइन करी है, ड्रॉ करके समझा के कारपेंटर से बनवाया है, कितना इसमें मेजरमेंट लगा होगा, कौन सी क्वालिटी का रखना है, कौन सा इसमें एक मटेरियल यूज करना है, उसके बाद उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, सिविल चेंजेस कैसे करना, ये सब मैंने बनाया है। तो ये मेरा दिमाग है, तो आप समझ जाइए कि मैं उस टाइप के ब्रेन कल्ट की लड़की हूं जो एक पूरा घर खुद से डिजाइन कर सकती है। ऐसे कितनों का घर बेस्ड ऑन वास्तु मैं डिजाइन करती हूं, मेरा प्रोफेशन है वो, और वास्तु भी जो साइंस है उसमें इतना कुछ समझ के आगे पीछे जोड़ के बहुत कुछ जोड़ना रहता है, वो भी कोई ऐसा स्किल नहीं है कि बस किताब पढ़ ली और आपको आ गया। फिर आप YouTube में ही देख लीजिए तो जो पूरा एडिटिंग है मैं संभालती हूँ, और जिस तरीके से कैमरा हैंडल करना है, वॉइस देखना है, क्या बातें करनी है, तो मेरा स्किल्स है ये सब। तो वो आपको मेरे पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा कि हाँ बेबी आने वाला है तो मैं प्री प्लान में सब कुछ कर लूंगी। अगर मैं कंसीव नहीं करी थी तो मैं पूरा स्टडी करके समझ रही थी, उसमें भी मुझे बहुत आता है कंसेप्शन वीडियो में, आप कितना सोचती हो। अपनी बॉडी को जानना, अपने सिम्टम्स को समझना, मेडिकल चीजों को समझना, ये कोई खराब बात नहीं है, ये कोई ओवरथिंकर की। ओवरथिंकर खराब कब होता है, जब आप निराशा में रहते हो, जब आप बस सोचते क्या हो, डिप्रेसिंग थॉट सोचते हो, जब आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, उससे उभर नहीं पाते हो, उसको कहते हैं कि हाँ आप बहुत ओवरथिंक करो या फिर डरते रहते हो फ्यूचर का सोच के, वो खराब पार्ट है। पर जो मेरा है ना ये स्किल है कि मुझे बेबी आने से पहले पता है इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसका मैं स्टडी करती हूँ, उस पर टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, कितने लोगों की हेल्प हो जाती है। तो इससे हर एक एरिया में आप मेरी लाइफ का देखोगे, इसीलिए आप देख रहे हो कि सैनिटाइजर बॉटल तक भी मैंने ले रखा है। बाद में भी आ सकता है, सही बात है, पर बाद में मैं क्यों लेने बैठूं, बाद में मैं क्यों खोजने बैठूं, बाद में मैं वो समय अपने बेबी को ना दूं, अपने आप को ना दूं, रिलैक्स ना करूं। निकल गए घर से, बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत खुश हूं। तो मैंने कहा था ना ज्वेलरी कलेक्ट करना रहेगा, तो वो कलेक्ट करने जा रहे हैं। पर हमने कहा था शोरूम वाले को कि जब आपके पास ज्वेलरी आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जनरली वो लोग कर देते हैं कि आ गया है। इस बार इस बंदे ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो वो तो मैं ऐप देखती रहती हूँ, तो मुझे ऐप में दिख गया कि वो तो दिखा रहा है इन स्टॉक, तो हम लोग खुद ही जा रहे हो, तो उसने हमें फोन तो करके बताया नहीं है। तो अगर गलत दिख रहा है ऐप में और सच में नहीं आया है तो फिर कोई और शोरूम जाकर के कलेक्ट कर लूंगी, और कहीं भी ना मिले तो फिर घर पे बुला लूंगी, क्योंकि आज के बाद फिर से इसी काम के लिए नहीं निकलने वाले हम लोग। तो चलिए मिलने वाला, तो क्या ले रही हूं वो आप देख ही लोगे इस वीडियो में, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, सरप्राइज देने दीजिएगा। तो वो दिखाती हूँ, तो बस निकले हैं, अभी पहुंचने में लगेगा 10-15 मिनट, 10-15 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक मेहरबान हुई तो, वरना तो अभी देखिए मोहल्ले में ही इतनी ट्रैफिक है तो मेन रोड में पता नहीं। क्या लिया है वो तो घर पे मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, पर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो डिब्बे में है, डब्बा बड़ा वाला ले लिया इस बार। तो गेस कर सकते हैं क्या, नहीं पता नहीं कर पा रहे कि नहीं, वरना मैं तो अभी बस 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 आप नेक्स्ट क्लिप देख लोगे, बहुत वेट नहीं करना, मुझे वेट करना है, 1 घंटा लगेगा अभी घर पहुंचते पहुंचते। फिर
फिर एक बारी दिखाऊंगी आपको, फिर भगवान को भी थैंक यू बोलूंगी और फिर इसको पहन भी लूंगी, आज ही पहन लूंगी। अच्छा भी दिन है आज ना? अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा है। हर दिन अच्छा होता है एक्चुअली, जब कुछ ऐसा शॉपिंग करना हो तो खुशी देखिए चेहरे पे, खुशी वो भी बोल रहा था बंदा हैप्पी। तुरंत ही हाथ में आते ही बिल विल साइड में नहीं चाहिए अभी, पहले फोटो खींचो भाई। पिक्चर पिक्चर भी देगा था, बोल रहा हैप्पी। मैंने कहा हाँ हैप्पी। घर आ गई और घर आके सबसे पहले वैसे भी सांस देना ही था और भगवान जी के सामने भी इसको रख दिया, थैंक यू बोल दिया। अब आ रही है आपको दिखाने की, उसके बाद मैं पहन के भी दिखाऊंगी। तो लिया है मैंने ब्लू स्टोन से, आपको पता ही है कैरेटलिन ब्लू स्टोन मुझे पसंद है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा प्लान था पूरा जो मैंने आपसे भी शेयर किया था कि मुझे, और ये मैं ना 1.5-2 साल पहले से जब से मैंने सोचा ना कि मतलब बेबी करना है, तो होता ना आप सोचते रहते हो ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जब कंसीव हो जाएगा तब मैं कुछ लूंगी अपने लिए, वैसे ही मैं हमेशा अंगद को बोलती थी। और बाद में मैंने आपको भी बताया था कि ना छठी के लिए ना मैं कुछ सेट लूंगी गोल्ड का, मतलब एक नेकलेस रहेगा और कान का रहेगा, क्योंकि वैसा मेरे पास कुछ है नहीं। शादी में भी मैंने ज्वेलरी नहीं लिया था अपने घर वालों से, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। बाद में जो भी ज्वेलरी हुई है ना वो मैंने और अंगद ने धीरे धीरे लिया ही है। तो मेरा वो मन था, और जब से मैंने अंगद को बट डिस्कस किया था, अंगद पता है मैं लूंगी, उसी दिन से उसका एक ही रहता था कि पर पहन के जाओगी कहां, ले तो लोगी नेकलेस सेट और का ये इयररिंग सेट गोल्ड का, पर कहां पहन के जाओगी, छठी के बाद कहां पहनोगी। और मेरे पास इसका कोई जवाब होता नहीं था, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ साड़ी पहन के गोल्ड ज्वेलरी डाल लिया या कहीं जा रही हूँ, वैसा कुछ तो रहता है नहीं। तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं नहीं फिर भी मुझे लेना है, एक शौक है, छठी में मैं गोल्ड का सेट पहनूंगी। तो वो भी बोलता ठीक है देखा जाएगा, पर ये अच्छा आइडिया नहीं है। फिर चलिए फाइनली वो दिन आया कि सोचने लगे हम लोग कुछ लिया जाए छठी के लिए, और मेरा वहीं पे गाड़ी अटका हुआ था कि मुझे सेट ही लेना है। इसीलिए जब मुझे आया था ये प्रमोशन करने के लिए उस ब्रांड का, तभी मैंने आपको बोला था ना कि अच्छा है मैं जाऊंगी और जाकर के वहां पे पीसी चंद्रा का सेट्स भी देख लूंगी, क्योंकि वहां पे कैसे कैसे हैं, फिर मैं छठी के टाइम पे कुछ वहां से लूंगी। और अंगद की फिर वही बात, पहनोगी कहां, क्या करोगी, खर्चा करोगी, क्योंकि देखिए मेरा बजट था 1 से 1.5 के बीच में लिया जाए, तो वहां पे मिल रहे थे, ऐसा नहीं है, वहां पे कम ग्राम में भी अच्छे अच्छे 1.5 के अंदर में मुझे मिल रहे थे। पर छठी के बाद कहां पहनूंगी पता नहीं है, तो वो रहता लॉकर में या फिर ऐसे पड़ा रहता। फिर फाइनली मैं भी कन्विंस हो गई कि सही बात है कि वो काम में आएगा नहीं, एक दिन तो पहनेंगे फिर क्या करेंगे, वैसा है नहीं ना लाइफस्टाइल, वैसा ऐसा होता कि कहीं जा रहे हैं पहन रहे हैं, तो वैसा सिस्टम है नहीं। और गुजरात में भी वैसे जब भी जाती हूँ ना, तो वैसा नहीं है कि रियल कुछ लेके जाऊं, वहां पे भी ये सब उतना चलता नहीं है। तो वही हुआ, फिर फाइनली अंगद ने मुझे कन्विंस कर लिया कि वही लो जो पहनो रोज बरोज में पहनो, ना कि लॉकर में पड़ा रहे, तो वो तो है फिर ये चीज। तो क्या लिया है मैंने, चलिए अब सस्पेंस नहीं रखती हूँ और दिखाती हूँ। तो हाँ, मतलब ये छठी के लिए ही समझ लीजिए आप, जो है ना मेरा डिलीवरी मंथ वाला जो है कि लेना है कुछ, ये वही मैंने लिया है। अच्छा है ना, तो ये पेंडेंट एंड स्टड है जो कि मैं रोज बरोज पहन सकती हूँ। वैसे भी ये वाला जो मैंने लिया था ना, ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने भी प्रेगनेंसी में लिया था, ये मैंने बोला भी था कि ये तो स्टड है नहीं, ये तो बेबी इसे खींचेगा भी, तो बाद में तो कुछ स्टड्स में ही पहनूंगी, कुछ दिन पहनती हूँ। वैसे तो ये भी बाद में शायद पहनना डिफिकल्ट हो जाए, ये भी देख के वो खींचेगा, पर वो देखा जाएगा। तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये, बहुत ही सुंदर है, आंखों से आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें स्टड्स जो है वो थोड़े छोटे हैं और जो इसका मेन पेंडेंट है वो काफी बड़े साइज का है, तो इसके बदले आ जाएगा। और मेरे पास ना पेंडेंट में यही वाला है गोल्ड वाला, डायमंड का था, मुझे डायमंड बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको पहन के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने जितना मेरा बजट था गोल्ड लेने का ना, उस बजट के अंदर ही मेरा हो गया है, तो ये मुझे लगभग 120 जैसा पड़ा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी क्लैरिटी अलग अलग आती है, पर इस बार जो मैंने लिया है ये मैंने बेस्ट क्लैरिटी वाला लिया है, कि जब ले रहे हैं तो एकदम बेस्ट 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 वाला होना चाहिए। ये वाला है एक्चुअली पहनने के बाद ऐसा लग रहा है, पता नहीं रात को भी कितना दिख रहा होगा लाइटिंग की वजह से, पर बहुत अच्छा है। तो पेंडेंट जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, और इयररिंग से वैसा ही होता है एक्चुअली, पेंडेंट थोड़ा सा बड़ा रहता है, पर अच्छा दिख रहा है बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत लोग ना एक्चुअली सोचते हैं कि गोल्ड ही लिया जाए, डायमंड क्यों लेने का, इतने का ही अगर आप गोल्ड लिए होते सोना तो बेटर होता है ना। तो एक तो
प्योर गोल्ड का पेंडेंट और ये तो उतना ज्यादा वैरायटी मिलती नहीं है, पसंद नहीं आता। दूसरा तो मैंने आपको बताया है कि अंगद का था, जो लो वो डेली वेयर में पहनो। तो मुझे ना वैसे डायमंड ही अच्छा लगता है, मुझे सूट भी करता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखे तो डायमंड मुझे बहुत सूट करता है, तो आप देखते हुए पहनती हूँ, दिखने में भी अच्छा लगता है। और वैसे ना ऐसे सेल करने के पर्पज से, भगवान ना करे कभी ऐसा करना पड़े, वैसे हम लोग सोचते भी नहीं है कि लिया है तो उसको कुछ वैल्यू मिलेगा ऐसा वैसा, जो लेती हूँ मैं हल्का फुल्का वो डायमंड में ही लेती हूँ ताकि पहनूं और अच्छा भी लगता है, तो उस हिसाब से। हाँ, पर वो था मेरा कि लूं तो एक सेट ले लूं, शायद अगर अंगद उतना मुझे नहीं बार बार कन्विंस करता कि वो वेस्ट हो जाएगा, कहाँ पहन के जाओगी, तो आप देखते कि मैंने ले लिया। मैंने मतलब यहाँ पे बहुत मोटा सा नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था उस वीडियो में कि इस टाइप का मैं कुछ सोच रही हूँ। तो नेकलेस आता है और उसका ही गोल्ड का इयररिंग्स आता है। तो यही है वो इंसान जिसने मुझे हमेशा हमेशा डिस्करेज किया कि वो सेट नहीं लेना है, नहीं लेना है, और आखिर में जीत इसी की हुई, मैं हो गई कन्विंस। नहीं, एनकरेज किया कि कुछ डेली यूज वाला लो, पर वो लेते हैं लोग, पता है सेट लेते हैं। ये नहीं किया कि तुम बड़ा सेट ले लो। यस, क्योंकि देखो मेरा लॉजिक ये है कि हमारा, आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से लेते हो, जिनके जिनका बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसा कुछ है तो वर्थ है, ठीक है। आप मतलब आपके चार पांच फंक्शंस लाइन में है तो आप एक बड़ा कुछ एक नेकलेस जैसा ले लिया तो इट्स ओके। तो कोई पॉइंट बनता नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि बेटर है कि डेली वेयर का लो, हैवी लो कोई बात नहीं है, बट डेली वेयर, डेली यूजेज। मैं अंगद को बोलती थी मैं दिवाली दशहरा में पहन लूंगी, तुम ऐसा नहीं है मैं साड़ी पे पहन लूंगी, तो बोला तुम बेटा नहीं पहनोगी, एक बार पहनोगी फिर बोल। एक दिन के लिए कौन ही लेता है फिर, अब लो तो आप चार पांच बार तो पहनोगे ना एटलीस्ट, तो वो एक लॉकर में रखने का कोई पॉइंट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो भाई अब इतने सारे और टूल्स है जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड है, एफडी हो गया, वर्स्ट केस में आप एफडी कर दो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, कितना कुछ है, तो आप वहां पे इन्वेस्ट करो, तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट लगता है, ना कि ज्वेलरी। और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड कॉइन्स हो गया, या पूरा बिस्किट ही ले लो अगर आपकी कैपेबिलिटी है, तो वो बेटर लगता है, क्योंकि इसमें तो ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्ज इतना ज्यादा होता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें। और एक और सच्चाई बताओ कि अंगद को कोई भी गोल्ड डिजाइन उस दिन पसंद नहीं आता था, मेरे मन रखने के लिए बोलता था अच्छा है, हाँ, अच्छा है। मुझे गोल्ड उधर ठीक है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना चॉइस होता है, एटलीस्ट सोना पे जो भी ज्वेलरी हम लोग पहन रहे थे गोल्ड उतना नहीं अच्छा लग रहा था, सोना पे डायमंड ज्यादा जचता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा वो छोड़ो, एक क्वेश्चन आया था अभी, जब आप देख ही तो खड़े ही हो कि अगस्त मंथ का मेरा गिफ्ट जो था वो क्यों नहीं मिला मुझे, मैंने वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, क्या हुआ कहानी आप बताइए थोड़ा। गिफ्ट बहुत पहले बेचारे ने ऑर्डर किया है, अटक गया गिफ्ट, बहुत टाइम से किया हुआ है ऑर्डर, मुझे क्वेश्चन आया था सोना गिफ्ट दिखाया नहीं आपने अगस्त का, अब तो ये हाल हो गया है कि वो ऑर्डर हिस्ट्री में भी नहीं दिख रहा है मुझे। अब मेरे को उनको कस्टमर सपोर्ट से बात करना है, भाई मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में ऑर्डर ही नहीं दिख रहा है, गायब कर दिए। क्या लिया था वो तो बता दो। मैंने बेसिकली लिया था बेबी सुशर, तो एटलीस्ट सोना को भी बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा बेबी को सुलाने में, उसमें व्हाइट नॉइज ऑप्शन था, फिर बेबी को ऐसे करके साउंड करता है, फोटोग्राफर्स यूज तो करते हैं, उनके लिए बहुत सूदिंग होता है, तो वो था। फिर अलग अलग और भी बहुत सारे हार्ट बीट साउंड था, जो वूम में अंदर में जो साउंड आता है वैसा हार्ट बीट का, तो वैसा भी एक साउंड अंदर में था, तो वही था बेबी सुशर ही था, तो ऑफकोर्स अभी कुछ गड़बड़ी हो गई है पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, तो दो चार दिन में कुछ ना कुछ करके जुगाड़, अगर नहीं आता है मान लीजिए आज बात करेंगे कस्टमर सपोर्ट से तो फिर दूसरा वाला मंगवा लेंगे, पर बेसिकली वो एक हम लोग ले रहे हैं। तो ये गिफ्ट था अंगद का मेरे लिए अगस्त मंथ में, अगर आप भी सोच रहे हैं लेने का तो एक बार रिसर्च करिए, बहुत अच्छा रहेगा, बेबी कॉट के पास आप उसको लगा दीजिए। वैसे आप ये मोबाइल पर भी ये साउंड बजा सकते हैं आई नो, पर फिर क्या होगा ना, बैटरी डाउन हो जाएगी मोबाइल की, क्योंकि आपको चार पांच घंटे बजाने हैं, इसलिए हमने सोचा था कि हाँ वो वाला ही रहेगा ना पूरा, एक आता है ऐसा, मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जो हमने सिलेक्ट किया था, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बेबी के पास लगा दीजिए, वो पीसफुली सोता रहेगा, बहुत ही कामिंग इफेक्ट होता है उसका, पर उसमें गड़बड़ हो गया। तो वो था अगस्त मंथ का गिफ्ट अंगद का मेरे लिए, एंड सितंबर तो आइडियली देखा जाए तो मेरा पुश मंथ है, और पुश मंथ का ये पुश गिफ्ट जो है पुश करने से पहले ही मेरे पास आ गया, अब आगे देखती हूँ, तो पहले ही ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था, तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे वीडियोस को आगे भी देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस अब आने शुरू हो जाएंगे, आप समझ ही रहे हो बहुत कुछ आना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आने वाले हैं, बहुत सारे हॉल वीडियोस मैं करने वाली हूँ बेबी की चीजों के बारे में जो मेरे को कहा है कि मैं बताऊंगी, और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मंडे को भी आने वाला है तो उसका भी वेट करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए, बाय बाय।